हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एस्टिमेशन का तरीका बाय सेंटर लाइन मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एस्टिमेशन करना सिखाया था बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। आज मैं आपको बताऊंगा एस्टिमेशन बाय सेंटर लाइन मेथड। ये जो लास्ट टाइम मैंने प्लान लिया था वो सेम प्लान ले लिया है, बट आज हम कौन सा एस्टिमेशन करेंगे, किस मेथड से? सेंटर लाइन मेथड से। ये हमारे पास टू रूम का एक प्लान है जिसमें दोनों रूम्स के डायमेंशन गिवन है, 3x4 एंड 5x4 मीटर की रूम की डायमेंशन है। इसमें क्या क्या गिवन है? हमारे पास वॉल थिकनेस हमें गिवन है 0.30 मीटर, डोर साइज में गिवन है, विंडो साइज गिवन है। ये हमारे पास टू डोर्स हैं इस प्लान में और थ्री विंडोज हैं, ठीक है। और एक सेक्शन काट के हमने पूरा इसका सेक्शन दिखाया हुआ है, फ्रॉम फाउंडेशन टू वॉल, ठीक है। ये नीचे हमारा जो कंक्रीट है उसकी विड्थ दी गई है 0.90। इसी तरह ये जो हमारी ब्रिक मेसनरी की रही है इन फाउंडेशंस और प्लिंथ में, उसकी डायमेंशंस गिवन है और हाइट गिवन है। उसी तरह से हमारी जो वॉल है अबव प्लिंथ लेवल, उसकी हाइट और विड्थ गिवन है। ये हो गया हमारी जो प्लान में गिवन डाटा है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेंटर लाइन इसकी मार्क कर देनी है इस प्लान में, और हमें सेंटर लाइन कैलकुलेट कर लेनी है। इसी का मैंने एक प्लान बना रखा है इसी को, तो इसमें मैं देखेंगे हम सबसे पहले पहले हम सेंटर लाइन लोकेट कर लेंगे प्लान में। ये हमने सेंटर लाइन लोकेट कर ली। अब इसमें करना क्या है कि हमें देखना है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉल्स कौन सी हैं। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉल्स कौन सी है? ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉल है और ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉल्स है। ये वर्टिकल वॉल है, ये भी वर्टिकल वॉल है, और ये वर्टिकल, थ्री हमारे पास वर्टिकल वॉल्स है और टू हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉल है। अब इनका हमें क्या करना है, हमें इनकी सेंटर लाइन कैलकुलेट करनी है। अब सेंटर लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रूम की डायमेंशन है 3x4, थ्री जो है वो इस तरह से है हमारी डायमेंशन, और जो 4 मीटर है वो यहाँ से है। ये इनर टू इनर रूम की डायमेंशन गिवन है, ठीक है। ये 5 आ गया हमारा और ये 4 मीटर अगेन यहाँ। अब हमें ये सेंटर लाइन लोकेट कर दिया, हमें सेंटर लाइन की कैलकुलेशन करनी है। अब सेंटर लाइन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सेंटर लाइन इज इक्वल टू समीशन एच प्लस समीशन वी, ठीक है, वेयर समीशन एच इज इक्वल टू सम ऑफ सेंटर लाइन ऑफ हॉरिजेंटल वॉल्स एंड समीशन वी इज द सम ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वर्टिकल वॉल्स। मतलब क्या कहता है, ये जो सेंटर लाइन है ना, ये पूरा ओवरऑल हमें कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे होगा, वो क्या आएगा, समीशन ऑफ एच, मतलब जो हॉरिजेंटल वॉल्स को हम सम करेंगे ना सेंटर लाइंस का, मतलब ये दो वॉल की हम सेंटर लाइन कैलकुलेट कर लेंगे हॉरिजेंटल लाइंस की, इन दोनों को सम कर लेंगे, वो आ गया हमारे पास जो सम ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजेंटल वॉल्स। वैसे ही हम इन तीनों की सेंटर लाइन को सम कर लेंगे, वो आ गया समीशन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द वर्टिकल वॉल्स। तो वो हमारे पास टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो अब इस केस में क्या कहता है कि अगर एक हॉरिजेंटल वॉल की हम सेंटर लाइन कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आ गया, अब हमारे पास जो टोटल वॉल की थिकनेस थी वो कितनी थी, 0.30। अब यहाँ पे सेंटर लाइन ले रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा 0.15, और यहाँ से यहाँ ये हमें पता है 3 मीटर है, और यहाँ ये वॉल थिकनेस पूरी ये आगे 0.3, और यहाँ से यहाँ कितना था ये भी हमें गिवन है 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से अगेन हाफ ऑफ द वॉल ये हो गया 0.15। तो इसी को 0.15 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 5 प्लस 0.15, इसी का हमारे पास आ गया हॉरिजेंटल वॉल का क्या आ जाएगा, 0.15
प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 5 प्लस 0.15, ये आ गया एक हॉरिजॉन्टल वॉल का सेंटर लाइन कितना कैलकुलेट। ओके आ गया हमारे पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमारे पास लेंथ आ गई हमारे पास 8.6 मीटर। ठीक है, अब ये आ गई एक वॉल की, हॉरिजॉन्टल वॉल की सेंटर लाइन की लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं। अगेन मैंने आपको बताया ये प्लान में ये वाली वॉल हॉरिजॉन्टल है और ये वाली हॉरिजॉन्टल है, हमारे पास टू हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं। ठीक है, तो हम इंटू टू कर देंगे, 8.6 मीटर आया था, इंटू टू कर देंगे फॉर टू हॉरिजॉन्टल वॉल्स, वो आ जाएगा हमारे पास 17.2। 17.2 क्या आ गया हमारे पास, सेंटर लाइन आ गई फॉर हॉरिजॉन्टल वॉल्स। इसी तरह वर्टिकल वॉल्स की हम पहले सेंटर लाइन कैलकुलेट कर लेंगे एक वर्टिकल वॉल की। अब यहां से यहां हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या आएगा, ये हाफ ऑफ द वॉल कितने आ गया, 0.15। यहां से हमें ये पता है ये हमारा कितना है, ये 4 मीटर है और ये अगेन 0.15, हाफ ऑफ द वॉल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0.15 प्लस 4 प्लस 0.15, वही मैंने यहाँ पे किया है, 0.15 4 प्लस 0.15, वो हमारे पास एक वर्टिकल वॉल की सेंटर लाइन कितनी आ गई, 4.3। इसी तरह से हमारे पास थ्री वर्टिकल वॉल्स हैं, कैसे वर्टिकल वॉल, ये वन ये टू एंड दिस इज द थर्ड, तीन वर्टिकल वॉल्स को इंटू कर लेंगे 3 से 4.3 से, तो हमारे पास टोटल सम ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वर्टिकल वॉल कितना आ गया, 12.9। अब ये 12.9 वर्टिकल वॉल का आया था, ये हॉरिजॉन्टल वॉल की सेंटर लाइन आई थी। अब टोटल सेंटर लाइन कितनी आ जाएगी, वो मैंने अगेन आपको बताया था, वो दोनों का समेशन हो जाएगा, तो सेंटर लाइन टोटल कितनी आएगी, 17.2 प्लस 12.9, वो आ गया इक्वल टू 30.1। 31.1 मीटर हमारे पास टोटल सेंटर लाइन आ गई, जो भी हमारा प्लान में यूज होगा सेंटर लाइन, ये पूरी हमारे पास टोटल सेंटर लाइन आ गई। अब क्या कहता है कि हमारे पास जैसे हम सेंटर लाइन एक वर्टिकल वॉल की ले रहे हैं, वो आ रही है यहां से, वो आता है इतना पोर्शन एक वर्टिकल वॉल का। ठीक है, वर्टिकल वॉल हमारे पास इतना आ जाता है सेंटर लाइन इस पोर्शन पे, बट जब हम हॉरिजॉन्टल वॉल की सेंटर लाइन लेते हैं, उसमें हम हमारे पास ये पूरा यहां तक, यहां से यहां तक, तो हमारे पास ये जो रिपीट हो रहा है ना एरिया दोनों में, जब हम वर्टिकल ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ये एरिया रिपीट हो रहा है इतना सा, तो इस एरिया, अब ये वाला एरिया हम ले नहीं रहे हैं दोनों वॉल में, जब हम वर्टिकल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल दोनों ले रहे हैं, तब ये वाला एरिया हमारे हमसे मिस हो रहा है। सो ये जो हमने दो बारी लिया है, तो ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा, बट अब यहाँ पे जहाँ पे टी जंक्शन हमारा बन जाता है, टी जंक्शन में क्या होता है, हमारा जो हम वर्टिकल वॉल में हम इतना एरिया ले रहे हैं, यहां से यहां तक हम सेंटर लाइन ले रहे हैं, बट जब हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी इसमें रिपीट हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जहां पे टी जंक्शन बनते हैं, फॉर इस केस में दो टी जंक्शन बनेंगे इस प्लान में, एक यहां पे बनेगा टी जंक्शन और यहां पे दूसरा टी जंक्शन बनेगा। टी जंक्शन मीन्स जब जहां पे टी शेप के जंक्शन बनते हैं, वो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। हो क्या रहा है इन जंक्शन पे, जब हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लेते हैं, उसमें भी ये इतना सा एरिया कैलकुलेट हो रहा है, दिस वन स्पेशली, जब हम वर्टिकल सेंटर लाइन लेते हैं, स्पेशली दिस वन सेंटर वाली वर्टिकल लाइन, तो उसमें भी ये एरिया कैलकुलेट हो रहा है। सो इस चीज को हम क्या करते हैं, तो हमारी जो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, लेंथ इज इक्वल टू सेंटर लाइन, अब सेंटर लाइन क्या है जो हमने टोटल कैलकुलेट करी, माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। ठीक है, ये समझ आया, विड्थ ऑफ द आइटम क्या है, अब जिस भी चीज का हम एस्टिमेशन करने वाले हैं, जिस भी आइटम का, जैसे अगर हम पीसीसी का करने वाले हैं नीचे कॉन्क्रीट का, तो हम 0.9
जीरो उसकी विड्थ ले लेंगे। अगर हम प्लिंथ लेवल की ब्रिक मेसनरी का आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी हम विड्थ 0.40 ले लेंगे। उसी हिसाब से जिसकी भी हम विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को हम विड्थ मान के डिवाइड बाय 2 × नंबर ऑफ टी जंक्शंस। अब इस प्लान में हमारे पास कितने टी जंक्शंस हैं? हमारे पास टी जंक्शंस हैं 2 नंबर्स में, ठीक है। अगर हम सिंगल रूम लेते हैं तो उसमें टी जंक्शन नहीं होता और हमें ये चीज़ माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इस केस में हमें टी जंक्शंस आ रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या लेंथ कैसे निकलेगी? सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2 × नंबर ऑफ टी जंक्शंस। अगर हमारे टी जंक्शंस ही प्लान में जीरो हो जाते हैं तो ये यहाँ पे केस में पूरा जीरो हो जाता और सेंटर लाइन ही हमारी लेंथ आ जाती, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला और सेंटर लाइन हमने कैलकुलेट कर ली है। ये जो सेंटर लाइन आ गई 30.1 और हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया कि अगर टी जंक्शंस हैं तो कैसे हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं आगे पूरा अपना पूरा एस्टिमेशन शुरू करते हैं। अब पहला कॉलम है सीरियल नंबर्स का और दूसरे कॉलम में हम पर्टिकुलर्स मेंशन कर रहा है क्या क्या करेंगे, और फिर है नंबर्स, फिर है लेंथ मीटर्स में, फिर है विड्थ, फिर हाइट मीटर्स में और क्वांटिटी मीटर क्यूब्स में। सबसे पहले हम ले लेते हैं आइटम एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशंस। अब जब एक्सकेवेशन करते हैं आप, एक्सकेवेशन कहाँ तक करते हैं? एक्सकेवेशन की विड्थ क्या होगी? विड्थ तो उतनी होगी जितना हमें कंक्रीट फाउंडेशन में डालना है, दैट इज 0.90 मीटर। अब हाइट कितनी होगी? हाइट, अब एक्सकेवेशन हम कहाँ तक करेंगे? ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल तक हमारे पास कितनी हाइट बनती है? ये बनेगी 0.20 + 0.20 + 0.20। ये जो तीन स्टेप्स हैं इन तीनों की हाइट कैलकुलेट करके हमारे पास ग्राउंड लेवल तक हमारे पास हाइट बन जाएगी, वो बन जाएगी 0.60। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास 0.60 ग्राउंड लेवल तक हाइट बन जाती है और विड्थ बन जाती है 0.90। अब हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। मैंने बताया था आपको लेंथ का फॉर्मूला क्या है, सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइड बाय 2 × नंबर ऑफ टी जंक्शंस। अब सेंटर लाइन मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया, सेंटर लाइन हमारे पास क्या था 30.1 कैलकुलेट हुई है, वो हम वैल्यू पुट कर लेंगे सेंटर लाइन की 30.1। एंड माइनस विड्थ ऑफ द आइटम, विड्थ ऑफ द आइटम क्या है? विड्थ ऑफ द आइटम जो रखनी थी वो विड्थ ऑफ द आइटम क्या है? वो है जो हम विड्थ लेंगे एक्सकेवेशन के लिए, वो हमने 0.90 यहाँ पे वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय 2 × नंबर ऑफ टी जंक्शंस। इसमें टी जंक्शंस कितने थे? यहाँ पे एक टी जंक्शन बनेगा और यहाँ पे टी जंक्शन बनेगा 2, तो वो आ गया 2, वो हमारे पास लेंथ कैलकुलेट होके आ गई, वो आ गया 29.2 मीटर। अब हमारे पास नंबर्स कितने हैं? अब सेंटर लाइन तो हमने पूरे ओवरऑल में कैलकुलेट कर ली थी पूरा समीशन, तो हमेशा नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास कैलकुलेट होके आई थी 29.2 × विड्थ, विड्थ ऑफ द आइटम इज 0.90 अगेन, ठीक है। और हाइट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया ग्राउंड लेवल तक 0.60 आएगी, ठीक है, वो हम वैल्यू रख लेंगे। और क्वांटिटी हमारे पास एक्सकेवेशन की आ जाएगी, इतनी हमारी एक्सकेवेशन होगी, ठीक है। अब सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, अब सीमेंट जो कंक्रीट हम फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं उसकी पूरी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास, जो लगना है हमारा फॉर्मूला वो है सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2 × नंबर ऑफ टी जंक्शंस। सेंटर लाइन 30.1 है, विड्थ ऑफ द आइटम इज 0.90, ये जो कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम फाउंडेशन में, इसकी विड्थ कितनी है? 0.90, वो रख ली, डिवाइडेड बाय 2 × नंबर ऑफ टी जंक्शंस, वो बताया मैंने आपको 2 ही है इस में, तो हमारे पास लेंथ कैलकुलेट आ गई 29.2। अब नंबर्स तो एक ही है, इस केस में नंबर एक ही रहेगा हमेशा, तो लेंथ कितनी है? 29.2, विड्थ हम मैंने आपको ऑलरेडी बताया 0.90 एंड द हाइट इज 0.20, ये जो कंक्रीट हम इतने हाइट में प्रोवाइड कर रहे हैं 0.20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी, हमारी कंक्रीट की कैलकुलेट होके आ गई 5.256 मीटर क्यूब।
अब नेक्स्ट हमें थर्ड कैलकुलेट करना है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। जो ब्रिक वर्क हमने किया फाउंडेशन और प्लिंथ में, उसकी हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। वो कौन सा? ये जो ब्रिक वर्क हमने किया है अप टू प्लिंथ लेवल, वो हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट फुटिंग का अलग कैलकुलेट करेंगे, सेकंड फुटिंग का अलग, और जो प्लिंथ लेवल पे हमें प्रोवाइड कर रहा है ब्रिक मेसनरी, इनका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? अब फर्स्ट फुटिंग के लिए पहले हम देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट फुटिंग है ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है 0.60 और हाइट कितनी है 0.20 ठीक है। फर्स्ट फुटिंग की हम लेंथ ले लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू जो मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ, सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। सेंटर लाइन 30.1 थी एंड विड्थ ऑफ द आइटम, अब इसकी विड्थ कितनी है 0.60 ठीक है, 0.60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 नंबर ऑफ टी जंक्शन 2 ही है, वो हमारे पास लेंथ आ गई 29.5। अब नंबर्स हमारे पास 1 ही है, अब लेंथ कितनी कैलकुलेट हुई है 29.5 और विड्थ मैंने आपको अगेन बताया ही है, इसकी विड्थ 0.60 है एंड द हाइट इज 0.20 ठीक है, वो हमने यहाँ पे रख ली और हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ गई। वो आ गई हमारे पास क्वांटिटी 3.54। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फुटिंग के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेकंड फुटिंग की हमारे पास विड्थ कितनी है 0.50 और हाइट कितनी है 0.20। सेम हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, सेंटर लाइन 30.1 माइनस विड्थ ऑफ द आइटम, विड्थ ऑफ द आइटम कितनी है 0.50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, वो हमारे पास लेंथ आ गई 29.6। और नंबर्स हमारे पास जैसे हमने बोला नंबर्स हमेशा 1 ही रहेगा, लेंथ हमारे पास 29.6 है और विड्थ मैंने बताया आपको 0.50 एंड जो हाइट है उसकी 0.20। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ गई हमारे पास 2.96। अब हमारे पास प्लिंथ वॉल आ जाता है लास्ट में, ये जो प्लिंथ वॉल हम ये दे रहे हैं अबव ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के नीचे, ये जो इसकी कितनी है विड्थ वो है 0.40 और हाइट कितनी है वो भी 0.40। चलो पहले सबसे पहले इसकी सेंट्रल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम वो मैंने ऑलरेडी बताया 0.40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, टी जंक्शन हमेशा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 2 ही हैं इस केस में, तो वो हमारे पास लेंथ आ गई 29.7। नंबर 1 ही है और लेंथ कितनी है हमारे पास 29.7 और विड्थ कितनी थी मैंने ऑलरेडी बताया 0.40 और हाइट कितनी है 0.40, वो हम रख लेंगे हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेटर ओके आ गई 4.752 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ब्रिक वर्क हुआ है इन सुपर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि जो हमारा ब्रिक वर्क है अबव प्लिंथ लेवल, ये जो सुपर स्ट्रक्चर के लिए इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास 0.30 जो वॉल की थिकनेस थी वही है और हाइट कितनी है 3 मीटर ठीक है। अब इसका पहले हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ हो गया हमारे पास सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, वो आ गए हमारे पास 29.8। नंबर्स 1 ही है, लेंथ हमारे पास 29.8 जो कैलकुलेट हुई है, विड्थ हमारे पास 0.3 ठीक है, हाइट हमारे पास 3 मीटर हमारे पास आ गई कैलकुलेट होके ये क्वांटिटी। अब जो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है उसमें हमने, मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कुछ डोर्स हैं और कुछ विंडोज हैं, अब उनकी क्वांटिटी क्या करनी पड़ती है हमें डिडक्ट करने पड़ेगी। अब हमारे डोर का 2 नंबर्स में है और उनका साइज पता है हमें क्या है, और साइज हमें ये विड्थ और हाइट दी गई है, और जो ये जो इनकी विड्थ होगी वो वॉल की जितनी लेनी है। अब डोर्स को डिडक्ट करेंगे, डोर्स के नंबर्स कितना है पहले 2 नंबर्स में है, उनकी लेंथ कितनी है डोर्स की 1.10 ठीक है, और विड्थ ले लिए 0.30। विड्थ क्या मतलब क्यों ये 0.30 ले लिए, क्योंकि ये जो डोर की विड्थ आई वो उतनी ही है जितनी विड्थ ऑफ द वॉल थी ठीक है, 0.30 इंटू 2.10 जो
हाइट है डोर की, ये गिवन है। हमारे पास क्वांटिटी आ गई डोर की 1.386। इसी तरह हमारे पास विंडोज़ के लिए थ्री नंबर्स में है, 1, 2, 3, थ्री नंबर्स में है। उसकी जो डायमेंशन है वो रख लेंगे, वॉल की थिकनेस रख लेंगे और हाइट 1.40 वो रख लेंगे। हमारा क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ गई। अब जो ये जो विंडोज़ और डोर्स की क्वांटिटी है वो हम डिडक्ट कर देंगे, जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आई थी इन सुपर स्ट्रक्चर, वो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी ब्रिक वर्क की कितनी हो जाएगी जो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमें विंडोज़ और डोर्स की जगह हम ब्रिक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं ब्रिक मेसनरी। तो उसकी हमारे पास कैलकुलेट होके आ गए 29.23.92 मीटर्स को। ये था आपके पास एस्टिमेशन बाय सेंट्रल लाइन मेथड। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमने एस्टिमेशन किया था लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल से, वो थोड़ा टीडियस हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस सेंटर लाइन मेथड। ये थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज एक ही बार में हम सेंटर लाइन इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी प्लान की। जैसे हमने बताया कि आज 2 रूम्स की हमने सेंटर लाइन कैलकुलेट कर रही थी, तो इसी हिसाब से ये ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल्स में, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा रूम्स होते हैं सेंटर लाइन मेथड जो है वो ज़्यादा इजी रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।